वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? तो गाइस भाई, आज के इस वीडियो में हम जाने वाले उमरा करने के लिए, मतलब हम हरम शरीफ में जाने वाले। लिटरली अनबिलीवेबल लग रहा है मुझे, मतलब क्या बताओ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने एराम एक्चुअली हमने एराम निकाला ही नहीं। हम कल रात को कितने भाई 4 बजे पहुंचे यहाँ पे, हम कल रात को प्लेन से A to Z करते हुए। और आज पता है ना, मेरे जो बाल है वो पूरे जाने वाले। हाँ, हमारे इसमें रहता है खलक, तो मतलब वो एक रस्म जैसे होता है कि वो करना ही होता है, तो वो करने वाले। तो विदाउट लेट्स बिगिन द ब्लॉग। सो गाइस भाई, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और आप बाहर का एक और व्यू दिखा देखो। तो गाइस भाई, अभी हमारा उमरा हो चुका है। और मतलब अभी और एक चीज़ रही है, जो अपने मैंने हलक कहा था, जो अपने बाल को काटना रहता है। फिर हलक करने के बाद हम सीधा ये एहराम जो रहता है इसके सब एक दूसरे मतलब उमरा हो जाता है। और मैंने बीच में क्या रिकॉर्ड मैंने क्या वहाँ पे लिखा था, नोट अलाउड, इसलिए मतलब सब किया हमने। बट मैं आपको कल दिखाऊंगा कितना मस्त एक्चुअल में काबा था। मैं लिटरली मेरे आँखों में से पानी आ गया, रो गए मतलब पूरे हमारे फैमिली मेम्बर से रो गए। बट कोई बात नहीं, अब भी इधर आना और इंशाल्लाह हम हज के लिए जाएंगे। ओके तो भाई, सफाई देख सकते हो, मतलब इसे ही हलक कहते हैं। पूरा मतलब सिर पूरी तरह से टक्कर कर दिया। कोई बात नहीं गाइस, और आज का व्लॉग अभी है और लोग चालू है। लोग अभी एक्चुअली में सभी सो गए, इसलिए मैं स्लोली बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहा। और मैं देखो नींद नहीं आ रही, इसलिए अभी ज़रा मोबाइल देखने वाला हूँ राजा शांति का, और फिर देखते हो नींद लगी तो सो जाऊँगा। तो गाइस, आज का व्लॉग एकदम मस्त होने वाला है, क्योंकि आज मक्का जो अपना मक्का शहर है वो हम घूमने वाले हैं, पूरा एक्सप्लोर करने वाले। जो हमारे टूर वाले हैं उन्होंने कहा है कि हम आज पूरा देखेंगे मक्का शहर। तो मतलब क्या क्या पॉइंट्स है वहाँ पे, क्या क्या हुआ था पास से लेके अभी तक, क्या क्या हुआ था, A to Z देखेंगे और मज़ा आएगा। मैं व्लॉग ज़रा छोटा ही करने वाला हूँ मैं, क्योंकि सर मुझे बड़े व्लॉग ज़्यादा ये नहीं लगते, कि कैसा होता है कभी कभी ऑडियंस बोर भी हो जाती है, तो उसके लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे सभी लोग? तो गाइस, आज का व्लॉग एकदम मस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम मक्का शहर पूरा घूमने वाले हैं। मतलब पास से लेके फ्यूचर में क्या क्या मक्का शहर में हुआ था वो हम देखेंगे, मजे करेंगे। और एक आज का व्लॉग एकदम मस्त होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना, सभी तो ऑडिशनल, लेट्स बिगिन द व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं तैयार हो चुका हूं, मैं अपने कुर्ता में डाल दिए और अभी मम्मी पापा सब लोग आ रहे हैं। और अभी हम नीचे जाने वाले खाने नाश्ता के लिए सबसे पहले, और आपको दिखा तो एक्चुअल में यहाँ पे कैसा ये है और मेरे यहाँ से क्या दिखता है वो भी। ये देख रहे हो, एक सेकेंड, हाँ ये देख रहे हो क्लॉक टावर, यहाँ से क्लॉक टावर दिखता है और साइड में अपना हरम शरीफ है। और अभी एक्चुअल में 6:31 हुआ है। सो गाइस, अभी हम बैठे एकदम मस्त वाले अपनी लग्जरियस बस में, दिखाता हूँ उसमें क्या क्या एकदम मस्त है। मतलब देखो भाई, कैसे एक लाइट है यहाँ पे, अपने को AC का वेंट्स मिल जाता है यहाँ पे। ये भी रखा है, देख सकते हो ये भी है यहाँ पे, और इसको बंद कर देते हैं। और मेन चीज तो ये देखो, इजी ऑटोमेटिकली। और सेकंड थिंग, ये सब ऊपर हो जाता है, फिर ऐसा करके ऐसा कर दो आपका आम है। और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी है, देख लो USB चार्जिंग पोर्ट। देख सकते हो पहाड़, वहाँ पे जो अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे एक्चुअल में रुके थे, तो वो पहाड़ों ने बहुत बड़ी स्टोरी बनाई और बहुत ही मस्त स्टोरी लगी। बट अब मैं टाइम नहीं, इसलिए आपको पूरा नहीं बता पा रहा। तभी भी आप यहाँ पे जरूर आके पढ़ना और देख सकते हो। और गाइस, वहाँ पे पता है वहाँ पे ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू है, प्लस वहाँ पे खून भी है उनका थोड़ा सा, मतलब वहाँ पे गिरा। अमर ने बताया कि ये कयामत तक एक मुकद्दस पहाड़ है और ये रहेगा ही कयामत तक। तो भाई देख सकते हो, बोलो बिस्मिल्लाह। यो गाइस, मैंने आपको दिखाया कैसा पहाड़ है वो, बहुत अच्छा है। और मतलब वहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि वहाँ पे अपने जो ये थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हिम, और जो अपना अबू बकर सिद्दीकी थे, उन्होंने वहाँ पे स्टे किया था क्योंकि उनको बचना था, जो काफिर लोग थे वो उन्हें मारने आए थे, तो उनको बचना था इसलिए वहाँ पे गए थे वो। और मतलब इसलिए वहाँ पे उनका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस जगह है। तो आप जब भी सऊदी अरबिया में आओ तो वहाँ पे ज़रूर जाना। सो
गाइस तो वहाँ पे मतलब मैंने आपको कहा ना वो एक मतलब वहाँ पे जो फ्यूजो पक्षासन था उनका वहाँ पे थोड़ा सुकून और थोड़ा सा जो उनके आंसू थे वो भी है वहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस वहाँ पे पहाड़ है वो, तो वहाँ पे आप मतलब जब भी मक्का हो तो वहाँ पे ज़रूर जाना, बहुत मत है। और वो वहाँ पे क्यों गए थे क्योंकि थोड़े लोग थे जो उनके पीछे पड़े थे, तो वैसे सब था बहुत ही मतलब बहुत ही भीड़ है एक्चुअल में, और मतलब जरूर आना। तो गाइस देख सकते हो ये है यहाँ पे जो अपना अरफात का मैदान है वो ये मैदान है, देख सकते हो पहाड़ के नीचे बहुत सारे जो मतलब वॉरियर्स और साहबी और जो मरने भी थे उन्होंने दुआएं मांगी कबूल की है, तो अभी हम वहाँ पे ही जाने वाले हैं तो वहाँ पे हम दुआ भी मांगेंगे। चलो तो गाइस भाई अभी हम आ चुके हैं अरफात जो अपनी ज़मीन है अरफात की वहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक पहाड़ दिखाता हूँ जहाँ पे सब दुआएं कबूल होती है, ऐसे मैंने बोला है उन्होंने। ओ भाई ये इतना बड़ा पहाड़ है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं खंभा हूँ यहाँ पे नीचे से ऐसे ही है, और कितने भीड़ है देखो लोग की, कितने अलग अलग कंट्रीज से आए हैं। अल्लाह ना करे अगर चोरी चल जाती तो हम गाइज ये देखो ये जगह है जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है इसके टाइम को, हज के टाइम को एक छोटा रहता है एक बीच में वाला रहता है एक बड़ा रहता है। ओके गाइज ये जो टेंट देख रहे हो ना ये हज के टेंट है, मतलब मीना में है ये, और ना इसको आग लगती है ना इसमें बारिश का पानी जाता है। सो गाइज ये पहाड़ जो देख रहे हो ना यहाँ पे कुरान की पहली जो बात आए थे वहाँ पे यहाँ पे नाजिल हुई थी और इसमें मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पे ये नाजिल हुई थी, और वो यहाँ पे बैठ के इबादत करते थे। और ये जो कट दिख रहा है ये अरे यार ये होटल सा रहे हाँ दिख रहे हो कट, हाँ वहाँ पे वो गारे हीरा तो वहाँ पे हुई थी। ये देखो भाई द ब्यूटी ऑफ साउथ अरेबिया, इंडिया भी बहुत वैसे ही ब्यूटीफुल लगता है, इंडिया भी यार पूरा नेशनल डे अपना, पर देखो यहाँ पे कितने सारे बिल्डिंग है यार, पर बहुत मस्त है बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे सऊदी अरेबिया का फ्लैग है, जैसे अपने इंडिया का फ्लैग होता है वैसे इन्होंने भी किया है। और यहाँ पे मतलब ने उनको इमाम की दावत दी तो उन्होंने कबूल कर दिया, तो वो ये था मस्जिद पे भी हम उतर चुके और अभी हम जाने वाले नमाज के लिए, नमाज के लिए भी हम जाएंगे हरम शरीफ। चलो सो फ्रेंड्स भाई अभी हम अपने रूम पे आ चुके हैं और मतलब अभी हम खाना भी खा लिए, और अभी हम जाने वाले हरम शरीफ वहाँ पे मतलब हम बहुत सारी इबादत और वो मतलब सब करने जाने वाले हैं अभी, तो चलो जल्दी। सो गाइस भाई एक अलग टाइप का ही हुआ है, तो कैसा है मेरी मम्मी की ज़रा तबीयत अच्छी नहीं है, तो अभी हम अब आज नहीं जाने वाले, हम कल जाने वाले हैं हरम में सुबह सुबह का जल्दी उठ के। तो यार आज को लगे अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लाइक करना, मैं बोलूँगा आपसे अगले गुड बाय।